हरी चौधरी के नामांकन की, रामायण चौधरी से लेकर के तमाम लोग उमड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे रामायण जी? आज नामांकन के लिए निकले हुए हैं भारी जनसभा। आज लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का आज नामांकन होने जा रहा है। पूरे जिला के सभी लोग, सभी नौजवान साथियों और जितने हमारे अभिभावक हैं, माता हैं, बहन हैं, सभी लोग इनके नामांकन में पहुँचे हैं और बड़ी धूमधाम से इनका नामांकन होने जा रहा है। आज गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं नामांकन में, क्या लग रहा है, ऐतिहासिक भीड़ होगी? तेजस्वी जी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जहाँ भी नामिनेशन हो रहा है ये पार्टी के कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह अटेंड करते हैं, जाते हैं अपने पार्टी को जिताने के लिए। तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी दोनों लोग आ रहे हैं, वो काफ़ी हम लोग गांधी मैदान में सब व्यवस्था है, वहाँ गाड़ी से पहुँचेंगे, हेलीपैड बना है अभी दुर्थी यात्रा में, बहुत सारे लोग हैं, आगे भी हम चलेंगे और दिखाएंगे, तमाम लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, जो चंद्रिका यादव मानिक चंद्र राय उनके पुत्र ये भी जुटे हुए, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहना चाहेंगे अवध बिहारी चौधरी के नामांकन? आज माननीय अवध बिहारी चौधरी का नामांकन है और पूरे सिवान लोकसभा से हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यह सीट जो है एकदम कन्फर्म सीट है और महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे, मन से बहुत बड़ा हुंकार भी मार सकते हैं विपक्षियों के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और पूरे सिवान को हमस कर जाएंगे और महागठबंधन को चुनाव जीतने का अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमारे सिवान के मतदाता युवा साथी महागठबंधन लोग अवध बिहारी चौधरी को लगे हैं और जिताएंगे, ये पक्का है, जीत निश्चित है इनका। क्या कहेंगे मंटू जी, अवध बिहारी चौधरी का नामांकन? सिवान की जनता फाइनल मूड बना ली है, अवध बिहारी फाइनल मूड है, अब की बारी अवध बिहारी, फिर भारी अवध बिहारी, सब पर भारी अवध बिहारी, एकदम एकदम। भाई यहाँ तो हिना साहब भी जीतने का दावा कर रही है और NDA भी 400 के पार का नारा, अवध बिहारी के लहर में कोई नहीं टिकेगा, जनता फाइनल, जीवन यादव भी। अरे वैसे लोग को छोड़िए ना महाराज, हम लोग निर्दलीय का बातें नहीं करते हैं, दल वाले का बात बताइए, दल का बात बताइए, निर्दल का क्या है, कुछ नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं जो कवरेज हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये तमाम लोग, तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं तमाम लोग जा रहे हैं, क्या होगा आज बताइए, क्या होगा आज? बहुत ही शुभ दिन है हमारे गार्जियन श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनका नॉमिनेशन है, हम सभी जनता उनके साथ हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा काम भी करते हैं और आगे भी करेंगे, हम लोग जीत के दिल्ली भी जाएंगे, जी जरूर जाएंगे, चौधरी को जिताएंगे ये युवा, जी हाँ जिताएंगे, हम लोग गोरिया कोठी से विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं और इनके समर्थक हम लोग हैं, इनके पक्ष में वोट मांगने आए हुए हैं और इनके फुल बहुमत से हम लोग जिताएंगे, लाखों और लोग हैं, वो लोग भी जीत के दावे कर रहे हैं भाई, लेकिन हम लोग एकदम सच्चे दिल से दावा करते हैं कि इनको जिताएंगे, हाँ बिल्कुल। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? जिताएंगे अवध बिहारी चौधरी को, चौधरी को जिताएंगे। हाँ चलिए अब पीछे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं उनसे बात करते हैं, अवध बिहारी चौधरी के नामांकन जो होने जा रहा है, बिहारी चौधरी नामांकन के लिए निकल चुके हैं, उनका विजयी होगा। हाँ। सिवान की जनता मूड बना चुकी है अवध बिहारी चौधरी को जिताने के लिए, अपार भीड़ के साथ उनका नॉमिनेशन में। हाँ। इस कड़ाके की गर्मी में सिवान की जनता सब लोग उतर गई है। बताइए क्या कहेंगे, इस बार जीत जाएंगे चौधरी जी, सिवान जाएंगे, सिवान गांधी जीत जाएंगे इस बार। इस बार क्या है, तो पहली बार न जा रहे हैं, इस बार राजद जीतेगा, इस बार जीत जाएगा। तीन बार तो नहीं जीता, नहीं जीतेगा इस बार, जीतेगा, ऐसा कंटेंट बहुत अच्छे मिले हैं लोगों के लिए, सिवान लोगों के लिए अच्छे कंटेंट मिले हैं इस बार, एकदम मैंने गांधी मिले, सिवान के लिए गांधी मिले हैं इस बार, लोग वोट इनको कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे, सब लोग कह रहे हैं कि इस बार ये MP बन जाएंगे, लेकिन NDA करिए भाई 400 पार, और उधर मोहम्मद साबदीन की पत्नी भी एकदम चारों तरफ का कलर चढ़ा ली है और जीवन यादव भी खुद NDA 150 पार नहीं होगा। हाँ 150 पार नहीं होगा, वो झूठ बोल के सत्ता में उस पर आए थे, पुलवामा हमला करा के आए थे, मोमबत्ती जरवा के आए थे, थरिया बजा कर आए थे,
15 लाख झूठ बोल कर आए थे, इस बार झूठ उसका नहीं चलेगा, मोदी जी का नहीं चलेगा। चलिए इस बार झूठ नहीं चलेगा। और ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार हम आपको कैसे दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अवध बिहारी चौधरी उनका नामांकन हो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरा जन सैलाब अवध बिहारी चौधरी जी के साथ में है। क्या होगा, और भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव? कोई टक्कर में नहीं है अवध बिहारी चौधरी के सामने, कोई नहीं टक्कर में, नहीं। 3 लाख वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं, 3 लाख वोट से। अरे जी क्या होगा इस बार, अब की बारी अवध बिहारी, सिवान का सांसद कैसा हो तो अवध बिहारी जैसा हो। अच्छा, सिवान की तैयार है कि हम लोग एक योग्य सांसद जो लोकप्रिय है, और जाकर सांसद में सिवान का जो समस्या है वर्षों वर्षों से उसका समाधान करेंगे। हम किसी व्यक्ति और जाति को उम्मीद है कि अवध बिहारी चौधरी एमपी बनेंगे। बिल्कुल, यह परिस्थिति जो बना है सिवान के जो कैंडिडेट हैं, अवध बिहारी चौधरी के जोड़ के कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर किसी को चैलेंज मैं कर रहा हूँ कि कहीं जो कैंडिडेट हैं बैठ कर और हमारे नेता से अवध बिहारी चौधरी होगा जी, इस बार हमारा लालटेन जलेगा सिवान में, जलेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काम खत्म हो गया लालटेन का, डिजिटल युग आ गया। जो कह रहे हैं वो जाइए कह दीजिए मोदी जी से गारंटी ले ले। हम लोग कह रहे हैं 400 पार, और कुछ लोग तो भाई चुनरी तक भी ओढ़े हुए हैं। हम लोग लालू भक्त है ना, हम लालू के लिए कुछ भी हम लोग करेंगे। इस बार लालटेन तो जलेगा ही सिवान में, जल जाएगा एकदम, जला देंगे एकदम। चौधरी को एमपी बनाएगा एकदम। हाँ, नॉमिनेशन में पूरा जन देखिए, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरा के द्वारा। हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। ये जो आज नामांकन हो रहा है अवध बिहारी चौधरी का, ये तस्वीरें लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। तपती गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद तमाम जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, वो सड़कों पे उतर गए हैं और गांधी मैदान में सभा होने वाली है। और इसी तरीके से लगातार एटीएन लाइव की जो बड़ी कवरेज है वो जारी रहेगी। अवध बिहारी चौधरी का नामांकन जो होने जा रहा है, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं राजधानी पटना से सिवान की धरती पर आ रहे हैं, और ये कवरेज जारी रहेगी। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATL Live, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS Gems and Jewelers, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS Gems and Jewelers, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, ऑल कैंपस CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।